यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 20 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी से पूछताछ के दौरान स्मैक तस्करी के बड़े खुलासे सामने आने की उम्मीद है। यमुनानगर में बढ़ते नशे को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न टीमों को नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक नशा तस्कर को 20 ग्राम स्मैक के साथ काबू किया है। टीम इंचार्ज ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, ITI के पास एक युवक नशीले पदार्थों के साथ घूम रहा है, जिसे आधार बनाकर टीम का गठन किया गया। टीम ने वहां जाकर घूम रहे युवक को काबू किया और मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान चांदपुर निवासी नितिन के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और उसे पूछताछ की जा रही है कि वह नशीले पदार्थ कहां से लेकर आता था और किसे सप्लाई करता था। ऐसा हमारे टीम को सूचना मिली थी, भी नितिन है जो स्मैक बेचने का काम कर रहा है, जो मुखबिरी के आधार पे आरोपी को पकड़े और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को बुलाया, उनके सामने तलाशी ली, उससे 20 ग्राम स्मैक मिली है। आगे तफ्तीश जारी है।